आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। KYP के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज में आना होगा। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप अगर नए यूज़र हैं तो यहाँ न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ मिडल नेम फिल करेंगे, यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना एक ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको आप नो ही चूज़ रहने देंगे और यहाँ आप जो भी मोबाइल नंबर में OTP दिया होगा वो OTP को यहाँ फिल करेंगे और जो भी ईमेल आईडी में OTP दिया होगा वो OTP को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना KYP ये वाला स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका यूज़र आईडी भेज दिया गया है। चलिए हम गो टू होम इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो यूज़र आईडी आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा वो यूज़र आईडी को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे जो भी पासवर्ड गया होगा, और ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ अपना पासवर्ड को ही चेंज करना होगा। जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेजा गया था वो पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे और अपना नया पासवर्ड को यहाँ चूज़ करेंगे और नया पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नया पासवर्ड में आपका नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल सब मिला हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज या रीसेट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ क्लिक हियर इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर वही वाला यूज़र आईडी फिल करेंगे और जो अभी आप पासवर्ड को चेंज किए वो वाला पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने पैनल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं। चलिए हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हैं तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 10 का रोल नंबर फिल करेंगे और 10 का रोल कोड फिल करेंगे और यहाँ आप अपना यहाँ रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और पासिंग ईयर में जो भी साल आप 10th पास किए हैं वो वाला यहाँ साल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्कूल का नेम फिल करेंगे। अगर आप 12th भी पास कर चुके हैं तो इसको यस रखेंगे और 12th का डिटेल्स भी फिल करेंगे। अगर आप 12th पास नहीं किए हैं तो इसको नो कर देंगे, तो 12th का यहाँ ऑप्शन आपके सामने हट जाएगा। उसके बाद आप अपना रोल नंबर और रोल कोड फिल करने के बाद ही आपका यहाँ पे स्कूल का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका नेम, आपका फादर नेम, ये सब आ जाता है। आपका ईमेल आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज कितना होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कुछ डिटेल्स को फिजिकली ही फिल करना होगा। चलिए इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपना हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा जाति से हैं। चलिए हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ बैंक का नेम को फिल करेंगे, यहाँ ब्रांच का नेम फिल करेंगे, यहाँ IFSC कोड फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर आप गाँव से हैं तो यहाँ रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो यहाँ अर्बन सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम गांव से हम रूलर सेलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पूरा एड्रेस फिल करेंगे। इसी तरह आपको अपना रेजिडेंट एड्रेस नीचे फिल करना होगा। आपका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंटल एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ सेम है इसके ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो नीचे भी ये पेस्ट हो जाएगा। एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ सेव एज ड्राफ्ट इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ताकि ये सेव हो जाए। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आप यहां आएंगे प्रीव्यू के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो यहां आप करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम अच्छा से एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां क्लोज का ऑप्शन आपको शो कर रहा है तो यहां क्लोज के ऑप्शन पर आप इसको टिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और यहां सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ KYP का सेंटर चूज़ करना होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं। उसके बाद ये वाला डिस्ट्रिक्ट में अपना यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और दूसरा प्रेफरेंस में आप अपना फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक आपके करीब में हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
और तीसरा प्रीफ्रेंस में सबसे पहले यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी ब्लॉक सबसे नज़दीक में पड़ता है वो ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार में आप एक ही ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इन सब को आप अच्छा से रीड कर लेंगे और यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो हमें यहाँ वेट करने के लिए बोला जा रहा है, चलिए हम जब तक यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है, KYP स्कीम कन्फर्मेशन आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज इतना, प्लीज क्लिक बिलो टू गेट एक्नोलेजमेंट डॉक्यूमेंट ऑन योर ईमेल आईडी और डाउनलोड द एक्नोलेजमेंट PDF फॉर्म। चलिए हम यहाँ से जनरेट ईमेल एक्नोलेजमेंट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेरा एक्नोलेजमेंट PDF में ईमेल में आ जाएगा। उसको वहाँ से हम डाउनलोड करके प्रिंट करके आप अपना KYP सेंटर को ले आ सकते हैं। 60 दिन के अंदर आप किसी वक्त भी जा सकते हैं और वहाँ जाके आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। सो इसी तरह से आप कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।